नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां वर्ल्ड कप 2024 से पहले चार मैचों की T20I सीरीज खेली जानी है। वह बता दें कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो फर्स्ट T20I मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन अब दूसरा T20I मैच 25 मई यानी कि सैटरडे के दिन शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये मुकाबला होगा एडविस्टन ब्रिमिंगम में। तो दोस्तों सीरीज में देखिए, पहला मुकाबला तो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज की शुरुआत करेगी, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट के साथ। तो एडविस्टन ब्रिमिंगम में अभी तक टोटल मैचेस खेले गए हैं 7, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 7 के 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो वही एवरेज स्कोर यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 174 का। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है इंग्लैंड की टीम ने 221 का। तो वही लोएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड की टीम के नाम दर्ज है, जिन्होंने 5 विकेट पर 118 रन स्कोर किए थे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 150 बना है 1 टाइम, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 और स्कोर अबव 190 बना है 2 टाइम्स। दोस्तों तो वही हेड टू हेड कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आखिर कितनी बार T20I में आमना सामना हुआ है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 30 बार दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं। एक मुकाबला एवेंडन रहा था जो कि इसी सीरीज का पहला मैच था, तो वही एक मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकला है और इंग्लैंड ने जीते हैं यहाँ पर 19 मैचेस, तो वही पाकिस्तान की टीम ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, तो वही पाकिस्तान की टीम ने 2 मैचेस में जीत दर्ज की है। तो अब देखिए यहाँ पर पिच के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 7 मुकाबले हुए और 7ों ही मुकाबले यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाज ही करना चुन सकती है। अब देखिए इंग्लैंड के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आईपीएल 2024 में अपने बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन कर अपने देश वापस लौटे हैं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज उन्होंने खेल ली थी। तो ऐसे में जॉस बटलर यहाँ पर अपनी टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अब वो किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे अपनी प्लेइंग 11 में शामिल होने का पाकिस्तान के खिलाफ, चलिए उनके नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिलिप सॉल्ट जो कि आईपीएल में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके अपने देश वापस लौटे हैं और इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा बेन डकेट हैं, जॉस बटलर जो कि राजस्थान के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर लौटे हैं, लियम लिविंगस्टोन है, जॉनी बेरस्टो जो कि पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं आईपीएल 2024 में। तो इस T20I सीरीज में ये जो खिलाड़ी हैं बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा विल जैक्स हैं जो कि आरसीबी के लिए खेलकर वापस लौटे हैं, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड यहाँ पर नजर आ सकते हैं। आप देखिए इसमें फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, जॉनी बेरस्टो, विल जैक्स और सैम करन जो है अभी आईपीएल से वापस लौटे हैं। दोस्तों तो ऐसे में ये जो खिलाड़ी है इनसे पाकिस्तान की टीम को बचकर खेलना होगा अगर उन्हें ये सीरीज जीतनी है। तो अब अगर T20I में इनके स्टैट्स की बात की जाए तो देखिए जॉस बटलर ने 107 मैचेस खेलते हुए 3582 रन स्कोर किए हैं 144.61 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है फिल सॉल्ट का, जिन्होंने 21 मैचेस में 639 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 165.95 का। जॉनी बेरस्टो की अगर बात करें तो 70 मैचेस में उन्होंने 1512 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट है 137.58 का। इनके अलावा अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो देखिए क्रिस जॉर्डन है, जिन्होंने 88 T20I मैचेस में 96 विकेट्स निकाले हैं 8.72 के इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर का, जिन्होंने 15 मैचेस में 7.66 के इकोनॉमी रेट से 18 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ये हो गए इंग्लैंड के वो खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में हमें नजर आ सकते हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो देखिए आयरलैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान की टीम ने सीरीज जीत ली है, लेकिन इंग्लैंड के सामने उन्हें ये सीरीज जीतना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी इनसे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हेड टू हेड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 मुकाबले इंग्लैंड के नाम दर्ज हैं, तो वहीं 9 मुकाबले मात्र पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन चुके हैं T20 के, तो किन 11 खिलाड़ियों को वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने का मौका देंगे, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सैम आयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, आजम खान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ या फिर मोहम्मद आमिर। जी हाँ, हैरिस रॉफ या फिर मोहम्मद आमिर में से कोई एक खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हो सकता है। अब बिना किसी देरी के पाकिस्तान के की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो बल्लेबाजों के बारे में आपको पहले बता देते हैं, जहां पर पहला नाम है कप्तान बाबर आजम का, जिन्होंने 117 मैचेस में 3955 रन स्कोर किए हैं 129.97 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद रिजवान काफी अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं अभी तक T20 में और उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी वो अपनी टीम के लिए अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे। देखिए 96 मैचेस में अभी तक उन्होंने 3180 रन बनाए हैं 128.23 के स्ट्राइक रेट से। फखर जमान का भी नाम हमने यहां पर शामिल किया है, जिन्होंने 86 मैचेस में 1761 रन स्कोर किए हैं। इनके अलावा इमाद वसीम जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही
अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए 71 मैचेस में उन्होंने 513 रन स्कोर किए हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो वहीं 68 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाजों की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने 88 विकेट्स निकाले हैं 64 मैचेस खेलते हुए, और आखिरी नाम है हैरिस रॉफ का। जी हां, अगर हैरिस रॉफ को यहां पर जगह मिलती है तो देखिए उन्होंने 66 मैचेस में 90 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 8.2 का। तो ऐसे में ये वो खिलाड़ी है पाकिस्तान के जो कि इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है कंक्लूजन की कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। तो देखिए यहां पर पिच के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि 7 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं और 7 के 7 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए यहां पर टीम के लिहाज से तो देखिए इंग्लैंड की टीम ने ज्यादातर मुकाबले अपने नाम किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हेड टू हेड कंपैरिजन में भी इंग्लैंड की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। 19 मैचेस इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं, तो वहीं ये मुकाबला देखिए इंग्लैंड के ही होम ग्राउंड पर होने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रह सकती है और इस सीरीज की शुरुआत जो है जीत के साथ कर सकती है। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करेगा। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं विराम, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।